न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में आयोजित चुनावी सभा में लोगों से विपक्ष के उम्मीदवारों के बहकाव में नहीं आने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी विपक्ष के उनके सामने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, हमारा किसी से मुकाबला भी नहीं है, फिर भी यदि वे छोटे विकास के नाम पर सवाल करके बरगलाए तो उन्हें यह चुनाव देश का निर्माण को बताना है। इससे पहले करीब 25 विभिन्न जातियों के संगठन ने राव का पगड़ी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया तथा बावल विधानसभा क्षेत्र में गत चुनाव की तुलना में अधिक मतों के अंतर से जिताकर छठी बार संसद भेजने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को 29 अप्रैल को नामांकन करने के समय गुरुग्राम पहुंचने का भी निमंत्रण दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यूं तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अलावा दक्षिण हरियाणा सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी उन्हें हमेशा प्यार मिला है, लेकिन चूंकि उनका गांव भी बावल में आता है इसलिए क्षेत्र की जनता ने उन्हें अलग से प्यार देकर उनका मान सम्मान किया है। इसका उदाहरण 2019 का चुनाव है जिसमें उनकी 90,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हुई थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार यहाँ की जनता अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्हें 1,00,000 से अधिक मतों से विजयी बनाएगी। राव ने कहा कि जनहित की सेवा की सोच रखने वाले भाजपा ने यूँ तो पूरे राज्य में समान विकास कराया है, लेकिन चूंकि वह गुरुग्राम क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए यहाँ की बात करना जरूरी है। बावल में भारी विकास हुआ है जिससे यहाँ की जनता संतुष्ट है। उन्होंने बावल में हुए विकास के लिए जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की भी तारीफ की। राव ने यह पांच बार सांसद बने हैं, पिछले 45 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इलेक्शन देश के निर्माण का है। भाजपा के शासनकाल में GDP 6.5% बढ़ी है, विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना भी दिखाया है, आज़ादी के 100 साल पूरे होने अर्थात 2047 में विकसित देश बनाने का। राव ने कहा कि यह सोच तय सरकार व शीर्ष नेतृत्व की है, मोदी को अगले 5 साल और चाहिए ताकि वे आमजन के सपनों को भारत बनाने की दिशा में काम कर सकें। राव ने वर्तमान विकास के अलावा भविष्य के किए जाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी बात की और बताया कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर इस क्षेत्र के लिए रोजगार के अवसर लेकर आएगा। RRTS के प्रोजेक्ट को न केवल बावल बल्कि राजस्थान के बॉर्डर तक लेकर जाएंगे। राव ने कहा कि मातनहेल में सैनिक स्कूल है, एक और सैनिक स्कूल गोठड़ा में बनाया गया है क्योंकि रेवाड़ी जिले में सबसे ज़्यादा सैनिक है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि सैनिक स्कूल से 20 छात्र NDA में सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के इतिहास में यह पहला मौका है जब सरकार ने अधिग्रहित जमीन को वापस कराया है। उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा की विकास नीति को जानकर एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनाने के लिए वोट करें ताकि इस देश का नक्शा विश्व में अलग स्थान पर दिखाई दे। नहीं आए हरियाणा प्रभारी विप्लव देव, भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस चुनावी सभा में हरियाणा प्रभारी विप्लव देव को भी आना था लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें रोक दिया। चुनावी सभा में मुख्य तौर पर जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, नारनौल के विधायक OP यादव, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली व अन्य नेतागण उपस्थित रहे। रैली में महिलाओं की भी भारी संख्या में मौजूदगी दिखाई दी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखो, बहुत सफल रैली हुई है बावल के अंदर, हमारे रेवाड़ी जिले के इस हलके के अंदर। मेरे को पिछली बार बहुत भारी समर्थन मिला था, जितना समर्थन पिछली बार मिला था उससे ज्यादा समर्थन मिलने की इस बार भी उम्मीद है। और जो यहाँ पर अनाज मंडी के अंदर ये रैली हुई है, मैं समझता हूँ कि जो जोश भरा हुआ माहौल मुझको नज़र आया वो पहले शायद दूसरी जगहों के मेरे को नज़र नहीं आया है क्योंकि मैंने और कहीं करी नहीं, लेकिन बावल से शुरुआत हुई है और बहुत भारी तादाद के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे लोगों को आमंत्रित किया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बहुत ही सफल रैली थी। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी लेकिन गुरुग्राम सीट अभी भी क्या समझते हैं? अब ये तो देखो, कांग्रेस जाने उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत उनके सामने होगी कि अभी यहाँ का अनाउंस नहीं किया। जो उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में उनको किस तरह से देखते हैं कांग्रेस ने, जिनको टिकट दी है और जो प्रदेश के हालात हैं उनको लेकर क्या मानते हैं?
देखो हम तो अपने उम्मीदवारों की तो बात कर सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि जो किसी और ने काम किया है उसको छोटा नहीं दर्शाएंगे, अपनी लाइन उससे बड़ी खींचे। चार चौपार का नारा भाजपा का है, हरियाणा को किस तरह से देखते हैं, 10 सीटें हरियाणा? देखो हमारे को जिस तरह से सहयोग मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि पब्लिक हमारे को सहयोग देगी और 10 सीटें जीताएगी। चलो जी, थैंक यू जी। चलो सर, चलो भाई।